लेकिन ये सुनिश्चित की जा रही है कि शाम ढलते ही यहाँ पर तिल रखने की जगह भी बाकी नहीं रहेगी। जहाँ तक यहाँ पे इंतजाम का ताल्लुक है और दीगर जो सियासी इंतजाम किए गए हैं पार्टी की जानिब से, वो हम बात करते हैं, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं टिका खान सानी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जिक्र कर दूँ कि यहाँ कुछ देर पहले हमारी DSP सिटी सियालकोट सिटी मकतूस साहब से बात हुई, उन्होंने बताया कि इस जलसे की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए अमन अमान को तकरीबन 1000 के करीब जो पुलिस एहलकार हैं उन्हें तायुनात किया जाएगा। टिका खान सानी, आप बताइए कि इन इंतजाम के अलावा यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैसे इंतजाम किए हैं आज के इस जलसे को देखते हुए? जी जमी, आप भी देख रहे हैं यहाँ शदीद गर्मी है, आज चेहरे झुलस रहे हैं सबके, लेकिन इसके बावजूद इंतजाम अभी तक जारी हैं। अलग सुबह जब हम यहाँ पहुँचे थे तो इंतजाम ऐसे लग रहा था जैसे उनको हतमी शक्ल दे दी गई है, लेकिन अभी तक स्टेज की चेयर्स बाकी हैं, स्टेज बाकी हैं, बाकी जो बहुत सारे मराहल अभी होना बाकी हैं। शाम 6 बजे तक तो हतमी तैयारियाँ मुकम्मल हो जाएंगी, लेकिन अभी तक ज़ोरों शोर से तैयारियाँ जारी हैं। और इस ग्राउंड में 6 मई 2013 को जब इमरान खान ने जलसा किया था, इसके साथ ये ग्राउंड है वो इंतखाबी जलसा था। इस स्टेडियम में भी ये जगह भर गई थी, इनकी जो चेयर्स हैं वो भी भर गई थी, यहाँ जो सीढ़ियाँ लगी हुई हैं राउंड्स वो भी भर गई थी, इसके साथ ग्राउंड्स और स्कूल भी भर गया था। लेकिन आज के जलसे के हवाले से कैमरामैन दिखा रहा है, ये व्यू जो दिखा रहा है सामने, ये जो चेयर्स लगाई गई हैं 35,000 के करीब, ये भी भर जाएंगी। इसके बाद जो खाली स्पेस है वो भी भरने का इम्कान है। इसके अलावा जो सीढ़ियाँ लगी हुई हैं उसके बाद बाकी ग्राउंड्स तक आज ये तो की जा रही है कि उससे ज़्यादा क्राउड होगा जो 2 मई 2013 का था। इसके अलावा मार्च 2012 में भी इमरान खान ने यहाँ जलसा किया था, यकीनन इमरान खान ने यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड में तो बड़े चौके छक्के मारे और रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन आज यहाँ जो सियासी छक्का मारेंगे शायद वो ये होगा कि आज यहाँ से बाकायदा एक तहरीक यानी लॉन्ग मार्च का भी ऐलान कर सकते हैं, जो उन्होंने सिर्फ 7 जून के लिए सियालकोट के लोगों के लिए रखा हुआ था ये ऐलान। और इसके अलावा इमरान खान यहाँ से अपनी जो सुनामी जिसका नाम दिया है यहाँ से उसका रुख बहावलपुर की तरफ कर सकते हैं। लेकिन जामी आज इमरान